नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आप लोगों को वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता रहूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कल CBSE में पूछे गए इंग्लिश पेपर के कम्युनिकेटिव का यहाँ क्वेश्चन है, जिसका मैं जो ग्रामर पोर्शन है बनाने वाला, उसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो आप देखें इसको ठीक ठाक से। अब देखिए, वेरी एक्साइटिंग कैन बी न्यू कंट्री ट्रैवलिंग टू ए, तो इस तरह से डाल सकते हैं ट्रैवलिंग टू, इसको फर्स्ट में डाल देंगे ट्रैवलिंग टू ए, ट्रैवलिंग टू ए न्यू कंट्री, ट्रैवलिंग टू ए न्यू कंट्री, इसको फर्स्ट में, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में, ट्रैवलिंग टू ए न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग, ट्रैवलिंग टू ए न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग। तो यहाँ पे इसका ये बन जाएगा ट्रैवलिंग टू ए न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग, यानी इसको फर्स्ट में रखना है, ए को सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और इसको फिफ्थ में, सबसे लास्ट में। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ और, अगर एक आध गलती होती है तो आप उसको क्षमा करेंगे, इसको काफ़ी टाइम देके इसको बनाया जाता है, अगर एक आध गलती आगे पीछे हो जाए तो बिल्कुल क्षमा करेंगे, हमारा प्रयत्न केवल स्टूडेंट्स की मदद करना होता है, तो बिल्कुल इसको अन्यथा ना ले। चलिए अब है, इट अ लॉट ऑफ बिफोर एक्चुअली रिक्वायर्स द विजिट और प्रिपरेशन। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले हमको चाहिए एक सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इट ज़्यादा बेटर है, इट एक्चुअली रिक्वायर्स, फर्स्ट में ये, सेकंड में एक्चुअली रिक्वायर्स, इट एक्चुअली रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर द विजिट। यहाँ पे देखिए लिख के भी रखा गया है, इट एक्चुअली रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर द विजिट, तो यहाँ पे बी का ये बन जाएगा हमारा। चलिए ये थर्ड में देखते हैं, यहाँ पे लाइट से शुरू होगा, लाइट ट्रेवलिंग, डेट मीन्स मतलब ज़्यादा सामान नहीं लेके लाइट ट्रेवलिंग जो हम कर रहे हैं, तो यानी कि लाइट ट्रेवलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, लाइट ट्रेवलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि लाइट फर्स्ट में, ट्रेवलिंग सेकेंड में, इज थर्ड में, द फोर्थ में, बेस्ट फिफ्थ में, और सिक्स्थ में ऑप्शन, लाइट ट्रैवलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ऑल्सो नीड बी द लोकल वेदर इन माइंड टू कीप, तो इसको इस तरह से डाल सकते हैं, वी ऑल्सो नीड, तो बी ऑल्सो नीड, बी ऑल्सो नीड टू कीप द लोकल वेदर इन माइंड, बी ऑल्सो नीड टू कीप द लोकल वेदर इन माइंड, और हम लोग को ऐसा भी पता रखना चाहिए कि वहाँ का वेदर कैसा है। पता चला कि हम कहीं घूमने गए हैं, ठंडी जगह है, तो भैया हमको पहले से स्वेटर वगैरह रखना था, तो बी ऑल्सो नीड टू कीप द लोकल वेदर इन माइंड, इसको एक तरह से और भी बना सकते हैं, वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड द लोकल वेदर, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा कि वी ऑल्सो नीड टू कीप द लोकल वेदर इन माइंड, इसको मैंने फिफ्थ में रखा, इसको सिक्स्थ में रखा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका बिल्कुल नीचे लिखा हुआ, ऑलवेज इन रीच टू बी रिटर्न एक्सपीरियंस द विथ, तो बी सब्जेक्ट ऑलवेज रिटर्न, बी ऑलवेज रिटर्न विथ द इन रीच्ड एक्सपीरियंस, हम लोग को अनुभव वाले एक्सपीरियंस के साथ लौटना चाहिए, कहीं से भी अगर हम लौटे तो बी ऑलवेज रिटर्न विथ द, विथ द इन रीच्ड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं फिलिंग में, फिलर में चलते हैं। चलिए यहाँ है, कंसंट्रेशन इज ब्लैंक बाय अलर्टनेस, कंसंट्रेशन इज ब्लैंक बाय अलर्टनेस, आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में जो हमारा है वो है हेल्प, विल हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड, आइए देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन बनना है।
अब चूंकि उधर इज था, आप क्वेश्चन देखेंगे तो उधर इज है, इज के साथ हेल्प नहीं लगेगा, इज के साथ विल हेल्प नहीं लगेगा, इज के साथ हेल्प्स नहीं लगेगा, तो हेल्प लगेगा। और ऐसे भी क्वेश्चन जो है जो पैसिव में है हमारा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा कंसंट्रेशन इज हेल्प्ड बाय अलर्टनेस। अब नेक्स्ट जो है इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। ये हमारा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। आप देखते हैं उधर ऑप्शन में बन क्या रहा था, डिपेंड्स था, डिपेंड था, डिपेंडेड था, डिपेंडिंग था। बिना हेल्पिंग वर्ब के डिपेंडिंग तो आएगा नहीं, डिपेंडेड नहीं आएगा क्योंकि हमेशा होने वाली चीज़ है, तो डिपेंडेड नहीं, डिपेंड नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो डिपेंड्स इज द राइट आंसर। सो दैट इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। अब उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ ब्लैंक एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल्स। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो थर्ड जो हमारा है, चेंज विल चेंज चेंज चेंज्ड, तो यहाँ भी चेंज होगा। सारी चीज़ें आ रही है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। यानी कि सी का जो हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल्स, सॉरी डिपेंड्स नहीं, क्या था इसका ऑप्शन, चेंज चेंज एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल। अब आइए फोर्थ में चलते हैं, द एनवायरमेंट हैज ऑलवेज। देखिए यहाँ हैज़ है तो यहाँ पे बिन लगाया गया। अब क्यों बिन लगाया है, आइए जरा सा ऑप्शन में आते हैं। तो हमारा जो यहाँ ऑप्शन है वो हैज़ के बाद क्या इज लगेगा, बिल्कुल नहीं। हैज़ के बाद बी नहीं लगेगा, हैज़ के बाद बाज नहीं लगेगा, तो हैज़ के बाद बिन ही लगेगा, ऑप्शन नंबर थ्री। दे बिलीव डैट लॉजिक हैज़ नो फेथ, नो प्लेस इन फेथ। लॉजिक को फेथ में मतलब विश्वास में, कोई भी लॉजिक में कोई भी विश्वास की जगह नहीं कि यहाँ विश्वास कर लो आप, तो लॉजिक के साथ हैव नहीं लगेगा क्योंकि सारा चीज़ प्रेजेंट में चल रहा है, तो हैड नहीं आएगा, हैविंग नहीं आएगा, तो हैज इज द सुटेबल ऑप्शन। इसके अतिरिक्त आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आए। अब आइए नेक्स्ट जो हम अपना लास्ट चलते हैं, ये है इरर। इसमें थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, मैं बता दूंगा किस में। मोस्ट ऑफ द पीपुल, यहाँ तो दिया हुआ है कि मोस्ट के बाद ऑफ लगाना है, आर अनॉइड ब्लैंक पासवर्ड। देखिए एनॉइड के साथ विथ भी लगता है, एनॉइड विथ पासवर्ड, एनॉइड एट पासवर्ड, तो इरर तो कन्फर्म है कि एनॉइड और पासवर्ड के बीच है, बट यहाँ विथ और एट में मुझे कन्फ्यूजन है। ज़्यादा मैं विथ को बोल रहा हूँ कि विद होगा, डैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपुल आर एनॉइड विद पासवर्ड्स। ओके, तो यहाँ विद को मैं ज़्यादा मान रहा हूँ, बट एट भी चलता है, तो सो डैट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। दे हैव मैनी ब्लैक, दे हैव मैनी रिमेंबर, यहाँ मैनी के बाद मैंने टू लगाया है, दे हैव मैनी टू रिमेंबर, मैनी और रिमेंबर के बीच में टू। नेक्स्ट है ऑन एनी गिवन डे दे आर, सॉरी हाँ, ऑन एनी गिवन डे दे आर, तो यहाँ पे दे लगेगा डे के बाद, दे आर। फिर वॉन्ट टू, टू फॉगेट, यहाँ पे टू लगाया गया है फॉगेट के पहले। लास्ट जो है दिस क्रिएट्स डिफिकल्टीज फॉर द पीपुल, डिफिकल्टीज फॉर द पीपुल, फोर टू का भी इस्तेमाल होता है बट फोर यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है। दिस क्रिएट्स डिफिकल्टीज टू द पीपुल। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए कारगर हो, और मैं और भी जब एग्जामिनेशन होगा CBSE का, जैसे अभी साइंस का होने वाला है, तो जब साइंस का एग्जामिनेशन होगा उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। तो हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, ये तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।